हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये ब्लूमिंग आ गई है फिर से मेरे कनेर के प्लांट में। तो ये पिंक शेड का कनेर है और आप देख सकते हैं फ्लावरिंग से पूरा भर चुका है ये। तो चारों तरफ से इसने फ्लावरिंग दी है और अभी बड्स भी हैं इसके अंदर। तो फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे से फ्लावर खिले हुए हैं और साइज़ ये फ्लावर का बड़ा बड़ा है। तो अक्सर व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि कनेर के प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि उनके प्लांट में अभी तक फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो कनेर को अच्छी सी सनलाइट भी चाहिए फर्टिलाइज़र के साथ में, और फर्टिलाइज़र अगर आप ऑर्गेनिक डालना चाह रहे हैं तो मस्टर्ड के का फर्टिलाइज़र आप यूज़ कीजिए लिक्विड फॉर्म में। मंथ में 3 बार अगर आप इस प्लांट को देते हैं तो बिल्कुल नेचुरल फ्लावर जैसे इसमें आते हैं वैसे ही आएंगे, क्योंकि ये परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है जो हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसमें आप फ्लावरिंग आपकी बनी ही रहेगी अगर आप फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहते हैं, क्योंकि पॉट में जब हम प्लांट को लगाते हैं तो फूड की ज़्यादा नीड बन जाती है, क्योंकि इनको हिसाब से फूड नहीं मिल पाता है और जितना उनको चाहिए होता है रूट को, और वो एक लिमिटेड एरिया में लगे रहते हैं इसलिए फ्लावरिंग पे अफेक्ट आता है। तो अगर आप मंथ में 3 बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फ्लावरिंग आपकी ऐसे ही मेंटेन रहेगी जैसे मेरे गार्डन में हमेशा ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ जो इनकी फ्लावरिंग हो रही है। और इधर भी आप देख सकते हैं कनेर में बहुत अच्छी सी ब्लूमिंग हो रही है। ये मल्टी पेटल्स वाला प्लांट है, मल्टी पेटल्स वाला फ्लावर इसमें आते हैं और आप देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग अभी भी बहुत प्यारी सी चल रही है और बड्स भी हैं साथ में। तो अभी 2 ही फ्लावर खिले हैं, 2 पीछे खिले हुए हैं और ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं अच्छी सी फ्लावरिंग है इसके अंदर। तो बड्स आई हुई है तो मैं ऐसे ही केयर करती रहती हूँ, मंथली फर्टिलाइज़र इनको देती रहती हूँ मंथ में 3 बार। और इधर मेरा फिर से आ गया येलो ट्रम्पेट की फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। तो इसकी भी फ्लावरिंग मेंटेन है, ये प्रॉपर फ्लावरिंग कर रहा है इतने दिनों से। और ये मेरा 3रा पिंक वाला आ गया, सेम वेराइटी सिंगल पेटल्स वाली। तो इसकी भी आप ब्लूमिंग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी ब्लूमिंग आई हुई है और पूरे प्लांट में अच्छी सी फ्लावरिंग है इस समय। तो जिस तरह से मैं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि पीछे के साइड में भी फ्लावरिंग है आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत सुंदर से लगती है पर इनमें खुशबू बिल्कुल नहीं होती है, इसमें भी कई कलर आते हैं। तो वाइट भी सेम इसी वैरायटी का है मेरे पास, तो उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये फिर से जेट्रोफा आ गया, तो इसकी भी प्लांट हमेशा फ्लावर देता रहता है, ये भी एवरग्रीन फ्लावरिंग वाला प्लांट है। और ये फिर से मेरे कनेर आ गए वाइट वाले, ये भी सिंगल पेटल्स हैं और आप देख सकते हैं पूरा प्लांट फ्लावरिंग से भरा हुआ है। तो जब हम इनको फुल सनलाइट में रखते हैं, 8 से या 9 घंटे की सनलाइट इनको देते हैं, तो इनको वाटरिंग की भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वाटरिंग थोड़ी सी भी कम होती तो फ्लावर जलते हैं और दूसरा फ्लावर खिलने में भी थोड़ा सा वो लगता है, मतलब फ्लावरिंग नहीं होती है प्रॉपरली। तो वाटरिंग भी इनको अच्छे से कीजिए, फर्टिलाइज़र भी इनको अच्छे से आप दीजिए, क्योंकि आपने मैंने इनको पॉट में लगा रखा है। तो पॉट में जब हम लगाते हैं प्लांट को तो फर्टिलाइज़र, वाटरिंग, सनलाइट सबकी केयर हमें ही करनी पड़ती है प्रॉपर वे में, कि किस एरिया में रखें जहाँ पे इनको अच्छी सनलाइट मिले, कितना वाटरिंग हमें इन्हें देते रहना है, क्योंकि प्लांट हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं हर एक चीज़ के लिए। और जब ये ज़मीन पर लगे होते हैं तो ये फ्री होते हैं, अपनी हर नीड फुलफ़िल अपने आप करते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता है इनको, इनकी फ्लावरिंग हमेशा ऐसी मेंटेन रहती है। पर पॉट में जब हम लगाते हैं तो हमें ही केयर करनी है। तो ये ख्याल अगर आप रखेंगे तो हमेशा कनेर से आप फ्लावरिंग लेते रहेंगे। तो चलिए मैं कुछ ऐसे 6 प्लांट बताती हूँ जो हमेशा परमानेंट फ्लावरिंग करते हैं। तो कनेर आप देख सकते हैं जिसकी फ्लावरिंग हमेशा होती है, बस थोड़ा सा जब विंटर आता है तो पीक विंटर में ये थोड़ी सी कम फ्लावर करते हैं, वैसे तो ये हमेशा फ्लावरिंग करते रहते हैं, मार्च से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं और अभी तक इनकी फ्लावरिंग आप चल रही है, अक्टूबर है इस मंथ, तो अक्टूबर में भी फ्लावरिंग करते रहते हैं, ये नवंबर में भी करते रहेंगे और दिसंबर में थोड़ी सी फ्लावरिंग इनकी कम होगी। जेट्रोफा भी ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है, इसकी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चलती रहती है, इसमें भी कई शेड मिल जाएंगे, कनेर में भी आपको कई शेड मिल जाएंगे, तो सब में मल्टी शेड आते हैं। तो ये 2 प्लांट आपके हो गए। ट्रम्पेट इसकी भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से चलती है पर ये मार्च से नहीं खिलता है, ये अगस्त से खिलना स्टार्ट करता है और अभी तक ये चल रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है अच्छे से। तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी एक परमानेंट प्लांट है, इसकी भी फ्लावरिंग बहुत ही प्यारी लगती है मुझे।
करते हैं तो एक्जोरा आप देख सकते हैं इसकी भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इस समय, और ये भी एक परमानेंट प्लांट है जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। इसके भी मल्टी शेड मिल जाएंगे आपको, तो मैंने एक नया शेड परचेज़ किया है जो ऑरेंज शेड का है, तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया हुआ है, तो अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शेड। तो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज शेड का है, तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये नाग चंपा है, यानी प्लूमेरिया पुडिका बोलते हैं इसे इंग्लिश में। तो इसकी भी फ्लावरिंग नॉन स्टॉप चलती रहती है, पर ये थोड़े से विंटर में रुक जाता है, फिर माँ जैसे ही गर्मियाँ आने स्टार्ट होती हैं और ये फिर से फ्लावरिंग पे आ जाता है, और ये भी बहुत सारी फ्लावरिंग करता रहता है आप देख सकते हैं। तो खूब फ्लावरिंग पे इसकी बनी रहती है और बहुत ही सुंदर फ्लावर लगते हैं इसके, बस इसकी फ्लावर में कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होती है, पर देखने के लिए बहुत ही प्यारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। आप इसको ईजिली बालकनी में रख सकते हैं, अगर आपका बालकनी गार्डन है तो आप इसको उसमें लगा सकती हैं, टेरिस गार्डन है तो भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, पॉट में लगाने वाला बहुत ही परफेक्ट प्लांट है ये। जेट्रोफा का भी आप कलर देख सकते हैं, ये पिंक शेड का जेट्रोफा है, इसके भी बहुत ही प्यारे शेड आते हैं, तो रेड को मैंने दिखाई दिया है और ये पिंक आप देख सकते हैं। तो ये सब परमानेंट प्लांट हैं जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं और आराम से लगने वाले प्लांट हैं, पॉट के अंदर आप लगा सकते हैं ईजिली इन्हें पॉट में। प्लूमेरिया की बात करते हैं तो ये भी एक परमानेंट प्लांट है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है आप देख सकते हैं। ये रेड शेड का है, इसमें वाइट शेड भी आता है, तो उसका भी प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ। इनमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चलती रहती है, ये भी परमानेंट प्लांट है जो फ्लावरिंग में ही रहता है, और बस जब विंटर आते हैं तब ये थोड़ा सा रुकता है, वरना ये खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है पूरे समर में। तो फ्लावर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे रेड शेड के फ्लावर है, वाइट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बोगनवेलिया के प्लांट ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, ये भी एक परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, इनकी भी फ्लावरिंग अच्छे से होती रहती है। तो आप इस समय देख रहे हैं मेरे पॉट में फिर से ढेर सारी फ्लावर बड्स आ चुकी हैं और कुछ में फ्लावर भी खिल रहे हैं। तो मैंने हर एक शेड की लगा रखी, दो ही शेड मेरे पास नहीं है, एक वाइट और एक रेड शेड, बाकी बहुत सारे शेड है मेरे पास। तो ये येलो शेड है और देख सकते हैं पीछे एक पीच शेड का भी फ्लावर खिला हुआ है, तो अब फिर से ये फ्लावरिंग देने आ रही है। तो अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं कि बोगनवेलिया में फ्लावरिंग नहीं आ रही, तो बोगनवेलिया में आपको कटिंग करके फर्टिलाइज़र देना मस्ट होता है, तभी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। और पानी की ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि पॉट में तो नीड हो जाती है पानी की, तो हल्की सी बस मॉइस्ट रहे ऊपर की लेयर, बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए प्लांट को, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करते रहते हैं। और मंथ में दो बार अगर आप फर्टिलाइज़र इनको देते हैं या ऑर्गेनिक देते हैं तो 3 बार दीजिए, अगर केमिकल देते हैं तो 2 बार ज़रूर दीजिए, तभी ये ब्लूमिंग बहुत अच्छे से करते हैं। आइए मैं आपको और भी फ्लावर दिखाती हूँ। तो ये तीसरा प्लांट आ गया, इसकी भी आप फ्लावरिंग देख सकते हैं, ये स्टार्ट कर रहा है फ्लावरिंग को। और ये मेरा चौथा प्लांट है, इसमें भी आप देखिए बिल्कुल ब्लूमिंग पे है इस समय, और खूब ढेर सारी ब्लूमिंग आई है, पर ये बिल्कुल डी शेप है, तो जब तक फ्लावरिंग है तब तक मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। और ये नाइट जैस्मिन यानी रात रानी, इसके भी बहुत प्यारे से फ्लावर निकलते हैं, पर ये फ्लावर डेकोरेशन के पर्पज़ से नहीं होते, इनमें फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है, तो ये खुशबू के पर्पज़ से आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशबूदार वाला प्लांट होता है, और रात में इसकी जब फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छी सी खुशबू महकती है, तो पूरा गार्डन आपका महकेगा इस प्लांट से। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं एक परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में, और इसमें भी फ्लावरिंग ऐसे ही चलती रहती है, रात के समय ये फ्लावरिंग खूब अच्छे से करता रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी फ्लावर बर्ड्स आई हुई हैं, और ये रात में खिलती हैं और सुबह तक इनके ये फ्लावर बंद हो जाते हैं, तो बहुत नन्हे नन्हे से फ्लावर होते हैं पर खुशबूदार बहुत होते हैं। तो पूरा प्लांट बिल्कुल कलियों से भरा हुआ है। और लास्ट फ्लावर की बात करते हैं तो हिबिस्कस, ये भी बहुत ही प्यारी सी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं और ये भी परमानेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी भी फ्लावरिंग चलती रहती है हमेशा, पर जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं इनमें फ्लावरिंग विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है, ये हाइब्रिड वेराइटी है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से विंटर में खूब अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये पूरे, मतलब प्लांट में ढेर सारी बर्ड्स होती हैं, पर गर्मियों में धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग कम होती है, पर करता रहता है ये भी फ्लावरिंग।
और देसी तो फ्लावरिंग करते रहते हैं, पर इनकी विंटर में फ्लावरिंग कम हो जाती है और गर्मियों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो ये दोनों ही प्लांट परमानेंट कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको भी अपने घर में ऐड कर सकते हैं। इनमें मल्टी शेड भी आपको मिल जाएंगे, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे शेड आते हैं इनके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी भी आने लगी है हाइब्रिड के अंदर।